बीपीएससी को ये चाहिए था कि कोई भी परीक्षा की तिथि आप घोषित करते हैं, चाहे पीटी हो, मेंस हो या फिजिकल हो, तो कम से कम ये देखना चाहिए कि वो किसी और परीक्षा से न टकराए, क्योंकि परीक्षार्थी कोई एक ही परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इससे पहले आप देखिए 2446 दरोगा बहाली मेंस का डेट इसने क्या किया, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मेंस के डेट से टकरा दिया। जिन लोगों का फिजिकल और एनटीपीसी दोनों टकरा रहा है या एक दो दिन आगे पीछे है, तो उन लोगों का फिजिकल वो बाद में ले ले या पहले ले ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेशपुरी। 10 जून से बिहार में 2213 दरोगा के लिए फिजिकल की शुरुआत हो रही है, यानी 10 जून से फिजिकल की परीक्षा होगी, अहम परीक्षा है। तो वही आपको बताएं कि 12 जून से NTPC CBT 2 यानी कि मेंस जो है वो होने वाला है। बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट हैं जिनका ये फिजिकल और उनका NTPC रेलवे का एग्ज़ाम की तिथि जो है टकरा रही है, या फिर एक दो दिन का अंतर है, जबकि NTPC में सेंटर काफ़ी दूर भेजे गए हैं। ऐसे में बहुत सारे छात्रों ने ये का कहना है कि BPSSC यानी कि बिहार दरोगा आयोग को एग्जामिनेशन जो फिजिकल जो है उसे आगे के लिए टाल देना चाहिए, और इसी को लेकर छात्र नेता दिलीप ने अपनी बातें रखी हैं। चलिए सुनते हैं क्या कहा छात्र नेता दिलीप ने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से बहुत से स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि वो लोग काफ़ी परेशान हैं, और उनकी परेशानी की वजह है बिहार दरोगा फिजिकल और NTPC CBT 2 की जो परीक्षा है, वो दोनों का डेट लगभग मैच कर जा रहा है, किसी का सेम डे पर जा रहा है तो किन्हीं का एक दो दिन आगे पीछे हो रहा है, इसके वजह से वो लोग परेशान हैं। और NTPC की जो CBT 2 की परीक्षा है वो नेशनल लेवल की परीक्षा है, और इसमें बिहार के जितने परीक्षार्थी हैं उनका सेंटर बाहर ही दिया जा रहा है, चूँकि ये लेवल वाइज हो रहा है और बोर्ड वाइज हो रहा है, तो बाहर ही सेंटर सबका जा रहा है और बहुत दूर दूर सेंटर हो रहा है। और 12 जून से NTPC की परीक्षा होनी है, जो कि पहले से निर्धारित थी कि NTPC CBT 2 की परीक्षा 12 जून से आगे तक चलेगी। और इसी बीच बिहार दरोगा 2213 का फिजिकल 10 जून से दे दिया गया है, जबकि BPSSC ने पहले कहा था कि जून प्रथम सप्ताह में फिजिकल शुरू करेंगे। तो BPSSC को ये चाहिए था कि कोई भी परीक्षा की तिथि आप घोषित करते हैं, चाहे PT हो, मेंस हो या फिजिकल हो, तो कम से कम ये देखना चाहिए कि वो किसी और परीक्षा से न टकराए, क्योंकि परीक्षार्थी कोई एक ही परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, और परीक्षार्थियों का ये मौलिक अधिकार है कि वो चाहें तो जितनी भी परीक्षाएं होती है जिसके लिए वो योग्य हैं उसमें वो सम्मिलित हो सकते हैं, तो उनको इस अधिकार से वंचित करना कहीं से भी उचित नहीं है। और BPSSC का पहले का भी इतिहास रहा है, इससे पहले आप देखिए 2446 दरोगा बहाली मेंस का डेट इसने क्या किया, BSSC प्रथम इंटर स्तरीय मेंस के डेट से टकरा दिया। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ तो BSSC ने अपना डेट जो है बदल दिया, जबकि BSSC ने पहले से निर्धारित किया था परीक्षा की तिथि, और BPSSC ने दरोगा बहाली मेंस परीक्षा का डेट बाद में घोषित किया और BSSC से टकरा दिया। और इधर देखिए फिजिकल टेस्ट इनको लेना है 32-34 दिन के बाद ही ले रहे हैं, इतना कम समय दे रहे हैं फिजिकल में, इससे पहले तो इतना कम समय नहीं दिया गया था, और वो भी NTPC से टकरा दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका NTPC की भी परीक्षा उसी दिन है और उसी दिन उनका फिजिकल भी है। बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका मान लीजिए कि 16 को NTPC है तो 15 को फिजिकल है उनका, किसी का 15 को फिजिकल है तो 16 को NTPC है या 17 को NTPC है, और सेंटर बहुत दूर दूर दिया जा रहा है, तो एक दिन बाद भी अगर किसी का हो रहा है तो वो परीक्षा दे के नहीं लौट सकते हैं, या यहाँ फिर फिजिकल देंगे तो फिजिकल देने के बाद वो NTPC की परीक्षा देने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सेंटर पटना में ही सबका नहीं है, सबका सेंटर बिहार से बाहर है और बहुत दूर दूर सेंटर है। तो BPSSC को चाहिए कि जब भी आप कोई परीक्षा की तिथि घोषित करते हैं तो कम से कम देख लीजिए कि उस दरमियान कोई परीक्षा तो नहीं है पहले से, किसी परीक्षा की तिथि तो पहले से घोषित नहीं है। और NTPC के बारे में तो पहले से ये था कि जून में NTPC CBT 2 की परीक्षा होगी, तो BPSSC को चाहिए कि हजारों जो परीक्षार्थी हैं उनके हितों का ध्यान रखें, उनके भविष्य का ध्यान रखें, और जिन लोगों का फिजिकल और NTPC दोनों टकरा रहा है या एक दो दिन आगे पीछे है, तो उन लोगों का फिजिकल वो बाद में ले ले या पहले ले ले, या पहले ही ले ले, इतना भी कर दे कम से कम कि पहले ले ले। तो BPSSC को इस पर सोचना चाहिए, और BPSSC कोई ऐसा नहीं है कि ये तालिबान में
कोई आयोग है, ये बिहार का ही भर्ती आयोग है। तो ये सोचना चाहिए और तानाशाही रवैया बीपीएससी को छोड़ देनी चाहिए और हजारों स्टूडेंट जो अभी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनके लिए जल्द से जल्द कोई नोटिस जारी करना चाहिए बीपीएससी को, और या तो पहले ले ले या बाद में ले फिजिकल, क्या दिक्कत है। जब परीक्षार्थी पहले भी फिजिकल देने के लिए तैयार है तो उनका फिजिकल पहले ले लीजिए या फिर एनटीपीसी परीक्षा के बाद लीजिए। और जितने भी परीक्षार्थी हैं जिनका कि एनटीपीसी और दरोगा फिजिकल टकरा रहा है या एक दो दिन आगे पीछे हैं, तो आप सभी लोग बुधवार को बीपीएसएससी ऑफिस जाइए, क्योंकि ग्रुप बहुत सारे ग्रुप में ये मैसेज आ रहा है। मेरे पास भी फ़ोन करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया है कि बुधवार को वो लोग बीपीएसएससी ऑफिस जाना चाहते हैं। तो आप लोग एक साथ जाइए, ऐसा नहीं कि कुछ लोग बुधवार को जाइए, कुछ मंगलवार को जाइए, कुछ बृहस्पतिवार को जाइए, तो ऐसा नहीं कीजिए। सभी लोग एक साथ आप लोग बुधवार को बीपीएसएससी ऑफिस जाइए 10 बजे, और शालीनतापूर्वक अपनी बातों को रखिए बीपीएसएससी के सामने कि उन लोग आप लोग का फिजिकल या तो पहले ले ले या बाद में ले ले, कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे बीपीएसएससी, क्योंकि एनटीपीसी की परीक्षा पहले से निर्धारित थी। तो इसलिए बीपीएसएससी को चाहिए कि कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। तो आप जितने भी परीक्षार्थी हैं जिनका कि एनटीपीसी और दरोगा फिजिकल दोनों टकरा रहा है या एक दो दिन आगे पीछे, तो आप सभी लोग बुधवार को एक साथ 10 बजे बीपीएसएससी ऑफिस जाइए और अपनी बातों को शालीनतापूर्वक रखिए। और मैं उस दिन आऊँगा नहीं आऊँगा इस पर आप लोग कोई ये मत रखिए कि दिलीप कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे। आप लोग जाइए, जहाँ तक हमसे सपोर्ट होगा हम करेंगे, क्योंकि अभी बीपीएससी पेपर लीक की जाँच चल रही है और हम उसमें थोड़ा ज़्यादा बिजी हैं। तो हम अगर बोल दे कि आएंगे और नहीं आ पाएंगे तो फिर आप लोग बोलिए कि कह के नहीं आए। तो इसलिए मेरा जाना न जाना अभी कोई निश्चित नहीं है कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, ये मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन आप लोग जाइए, जहाँ तक हमसे जो सपोर्ट होगा सारे मीडिया चैनलों को हम भेज देंगे और भी जो जहाँ से सपोर्ट होगा हम करेंगे। तो आप लोग बुधवार को 10 बजे बीपीएसएससी ऑफिस जाइए और अपनी बातों को शालीनतापूर्वक रखिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का कहना है कि पहले से जब रेलवे की परीक्षा तय थी कि जून में होने वाला है तो फिर बीपीएसएससी के द्वारा क्यों डेट दिया गया और काफ़ी जल्दी जल्दी में एग्जाम लिया जा रहा है, 34 दिन ही मात्र दिए गए छात्रों को फिजिकल की तैयारी के लिए। ऐसे में चूंकि एनटीपीसी राष्ट्रीय लेवल पर परीक्षा है और बीपीएसएससी बिहार लेवल पर है, तो बीपीएसएससी को दरोगा का जो फिजिकल है 10 जून से उसे आगे के लिए टाल देना चाहिए, ताकि जो भी छात्र एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनका एग्ज़ाम न छूटे। तो देखिए आयोग क्या करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।